भगवान शिव पार्वती का प्रेम प्रेरणादायक है, पर शिवजी का उनकी पहली पत्नी सती से प्यार दुनिया की एक सबसे अद्भुत प्रेम कहानी। राजा दक्ष की बेटी सती शिवजी से विवाह करना चाहती थी, पर दक्ष का मानना था कि शिव जो शमशान की राख अपने शरीर पे मलते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं गुफाओं और पहाड़ों में रहते हैं, भूत और सांप उनके साथी हैं, वो शादी के लायक नहीं। सती ने पिता का घर छोड़कर शिवजी से विवाह किया। दक्ष बहुत अपमानित हुए, एक महायज्ञ किया जिसमें सब देवों को बुलाया, पर शिवजी और सती को नहीं। शिव तो भोलेनाथ है, उन्हें इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सती बहुत अपमानित हुई। अपने पिता के पास पहुंची, जहां उन्हें शिवजी के बारे में और कटु शब्द सुनने पड़े, जिसे वो सहन ना कर सकी और यज्ञ की आग में कूद गई। शिवजी को जब पता लगा तो उनकी दुनिया जैसे खत्म सी हो गई। वो सती से कितना प्यार करते थे वो उन्हें सती के जाने के बाद अनुभव हुआ। क्रोध की ज्वाला में उन्होंने दक्ष का सर काटा और माँ सती के शव को अपनी बाहों में उठाया। कुछ समय के लिए जैसे वो अपनी शक्तियाँ भूल गए और बहुत रोए, जिसके बाद महाप्रलय शुरू हुई। भगवान विष्णु ने परिस्थिति को काबू करने के लिए सुदर्शन चक्र से सती के कई टुकड़े किए। माँ सती का शरीर जाने के बाद शिवजी का क्रोध कम हुआ, पर दुख अभी भी उतना ही था। माना जाता है कि भगवान शिव सब कुछ छोड़कर घोर तपस्या में लीन हुए, जो तपस्या भंग हुई जब सती माँ पार्वती के रूप में आई और शिवजी की अधूरी प्रेम कहानी को पूरा किया।